हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और आइए दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं छोटा सा एक इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ। वजीर साहब का इनसे 4 से 5 दिन के अंदर कहाँ कहाँ पर शेड्यूल है, उन शेड्यूल के बारे में मैं बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और कहाँ कहाँ पर इनकी तकरीर हो रही है, होने वाली है, कहाँ कहाँ पर ये पब्लिक मीटिंग है, कहाँ कहाँ पर जलसा और सभा करने वाले हैं, उन्हीं का इन्फॉर्मेशन मैं आप तक देने जा रहा हूँ। तो वो लोग जो पसंद करते हैं वैसे को, जो सुन सकते हैं इनको, जो सुनना पसंद करते हैं, लाइव देखना पसंद करते हैं, वहाँ पर जाकर वो अटेंड कर सकते हैं। बेसिकली तेलंगाना के अंदर म्यूनिसिपल का एक इलेक्शन होने जा रहा है, इसी के लिए, उसी के प्रचार के लिए लोगों से मीट कर रहे हैं, लोगों से विजिट कर रहे हैं, लोगों से रूबरू हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं। पहला 19 जनवरी को देखिए कहाँ पर, आरमोर के अंदर 2 बजे इनकी सभा है, ये है आरमोर। और निर्मल के अंदर 7 बजे शाम को, ये दोनों ही शाम को है, आरमोर के अंदर 2 बजे और निर्मल के अंदर 7 PM को यहाँ पर इनकी सभा होने जा रही है। तो वो लोग जो यहाँ पर, ये 19 तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, 19 जनवरी को बात कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर अगर हम देखें, 17 जनवरी को होने वाला है यहाँ पर कोराटला में। एक्चुअली थोड़ा सा वहाँ का नाम थोड़ा सा अलग है, डिफरेंट होता है, तो थोड़ा सा प्रोनंसिएशन में डिफ़िकल्टी होती है जो नॉर्थ ईस्ट वाले लोग होते हैं। चलो फिर यहाँ पर 2 बजे होगी, और इस तरह जगतियल के अंदर 7 बजे होगी, और इसी तरह माफ़ कीजिएगा, यहाँ पर 9 बजे होंगी। इसके बाद 18 जनवरी को इनकी सभा होने वाली है कामारेड्डी के अंदर 2 बजे, और इसी तरह बोधन के अंदर 7 बजे, और निज़ामाबाद के अंदर, ये बड़ा अच्छा, निज़ामाबाद के अंदर 9 PM के अंदर। तो इस तरह से 17 और 18 जनवरी का इनका ये शेड्यूल है। आगे चलते हैं, और अगर हम लोग 16 जनवरी कल की बात करूँ, आज का तो हो गया, आज यहाँ पर था, और 16 जनवरी कल की मैं बात करूँ तो कल यहाँ पर 2 बजे होंगी कागज़ नगर के अंदर, और आदिलाबाद के अंदर 7 बजे इनकी सभा होंगी। तो ये बेसिकली एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन था जो कि देना था आपको, कि वो लोग जो यहाँ पर रीच कर सकते हैं, पहुँच सकते हैं, तो वो लोग जाकर इनकी मीटिंग को अटेंड करें इन जगहों के ऊपर। और कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और शुक्रिया। जय हिंद।